एवरीवन, आई एम शिवानी कौशल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज के वीडियो में हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, और हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, और एक खास बात, डायमेंशंस किस तरह से निकाले जाते हैं। तो ये सारा हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा देखना सो दैट आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के यूनिट 1 का चैप्टर 2, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यस, इस टॉपिक में हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, और मेजरमेंट करने ज़रूरी क्यों है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, और उनके डायमेंशंस किस तरह से निकाले जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके नोट्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से इसका PDF फाइल डाउनलोड करके इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट आपको स्टडी करने के लिए इजी हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके थ्रू हम अपने नेचर के लॉज की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, और सारे लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, जिसके बेसिस पे हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर सके। तो हमारे पास क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके थ्रू हम अपने नेचर के लॉज की स्टडी करते हैं। अब चाहे हम उन लॉज की स्टडी डायरेक्टली करें, चाहे इनडायरेक्टली करें, तो दोनों तरीकों से हम स्टडी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? तो कोई बॉडी है, उसका अगर मास मेजर करना है, तो मास क्या हो गया हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसके बाद लेंथ, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मेजर करनी है, या फिर हाइट आपको मेजर करनी है, तो ये लेंथ और हाइट ये क्या हो गए? ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। वैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और पावर, फोर्स, ये सारी हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? कोई भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का आपस में कंपैरिजन, विच इज टेकन एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज टेकन एज स्टैंडर्ड, इज कॉल्ड मेजरमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मेजरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों है हमें उसकी ज़रूरत, नीड क्यों है। तो हम पढ़ेंगे नीड फॉर मेजरमेंट। जो मेजरमेंट होता है वो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है। आप खुद सोचिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपने स्टडी करनी है तो उसको मेजर करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए, आपको घर बनाना है, अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कराना है, होम कंस्ट्रक्ट कराना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसकी मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करके एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर हम घर बनाते हैं। तो हर एक चीज़ में हमारे पास मेजरमेंट की रिक्वायर होती है, वो चाहे कमर्स में हो, चाहे ट्रेड में हो, चाहे हम लैंड का डिवीजन कर रहे हैं, हर एक चीज़ में मेजरमेंट रिक्वायर्ड रहती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। उससे पहले हम समझ लेते हैं यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या होती है? यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और बात करें यूनिट की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी थ्रू विच सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। तो यूनिट की डेफिनेशन ये बनी हमारे पास, क्या होती है यूनिट? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। अब मान लेते हैं एक्स। एक्स क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये एक्स हमारे पास दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, सो दैट हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके। तो इसको हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक्स हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस एक्स को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। कौन कौन सी? पहला तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए हमारे पास। दूसरी क्या होती है? यूनिट होती है।
तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड रहती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। और अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू यू। एन क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, यू क्या हो गया, यूनिट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन यू। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने का फॉर्मूला। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, यूनिट के। ये प्रूव करने को आ जाता है कई बार कि इसको प्रूव करो ये कैसे है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है यूनिट के। तो लेट्स सी हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक्स कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये एक्स किसके बराबर है हमारे पास, एन वन यू वन। एन वन यू वन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, यू है हमारे पास यूनिट। हमने इसको मान के चला है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वन है और जो यूनिट है वो वन है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या मानेंगे, एन टू यू टू। ये हमने जस्ट कंसीडर किया है कि फर्स्ट केस में न्यूमेरिकल वैल्यू वन है, यूनिट वन है, और सेकेंड केस में न्यूमेरिकल वैल्यू टू है और यूनिट टू है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करें तो क्या आता है, एन वन यू वन इज इक्वल्स टू एन टू यू टू। ये आ गया हमारे पास। और ये क्या शो कर रहा है, जो एन वन और यू वन है वो किसके बराबर है, एन टू यू टू के बराबर है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, एन यू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। एन यू हमारे पास कांस्टेंट आ गया। और अगर इस यू को हम परे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन यू। और कांस्टेंट की जगह अगर हम वन लगा दें तो क्या बन जाएगा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन यू। यहाँ से ये यह हमारे पास प्रूव हो गया। और ये क्या शो कर रहा है, जितना छोटा हमारे पास यूनिट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा छोटा हमारे पास यूनिट होगा। तो क्या बनता है, स्मॉलर इज द यूनिट, लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं। फर्स्टली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और लास्ट में आती है एक और जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्वांटिटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इस वजह से हम इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब ये क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये हमारे पास सेवन होती हैं, सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बाकी की जो क्वांटिटीज होती हैं वो इन्हीं सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होके आती हैं, इसलिए हम उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो होती क्या है, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ना ही किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सेवन। यस, हमारे पास टोटल सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, पी क्यू। पी क्यू का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद ये इसके एसआई यूनिट्स हैं, ये एसआई यूनिट्स के सिंबल हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है हमारे पास मास। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और इसके अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होता है इसका, स्मॉल के स्मॉल जी। और दूसरी आती है हमारे पास लेंथ। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर। मीटर के लिए हम सिंबल क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। उसके बाद आता है हमारे पास टाइम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। और सेकंड का अगर हम सिंबल बोले, सेकंड का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एस होता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैल्विन में मेजर करते हैं और इसका सिंबल होता है कैपिटल के।
उसके बाद आता है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। और कैंडेला की अगर हम सिंबल की बात करें तो इसका स्मॉल सी स्मॉल डी सिंबल होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल ए। उसके बाद लास्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है जो कि है क्वांटिटी ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ मैटर। इसको हम किस में मेजर करते हैं? मोल्स में। और मोल का अगर हम सिंबल की बात करें तो मोल का सिंबल होता है MOL, स्मॉल MOL, ये इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डिराइव का मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे से ली जाए। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होके आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। आप यहाँ पर इसके डेफिनेशन भी देख सकते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और हमारे पास एक और टर्म आते हैं यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स। मतलब जो ये क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, इन क्वांटिटीज़ को जो डिराइव होके आ रही है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उनके ये जो यूनिट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स बोलते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह से आएंगे। तो बहुत सारे हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम स्पीड को वेलोसिटी भी बोलते हैं। स्पीड को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? कोई डिस्टेंस है, अब इसको मेजर करेंगे तो किस में करेंगे? लेंथ में करेंगे। तो डिस्टेंस का हमने लिख लिया लेंथ और टाइम के लिए हमने टाइम लिख लिया। अब जो लेंथ होती है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और उसके बाद जो टाइम होता है, टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में। अब देखो ये जो स्पीड है वो किससे ही डिराइव होके आ रही है? जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसी से डिराइव होके आ रही है। अब लेंथ है, लेंथ का यहाँ पर क्या लिया हुआ है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ये जो हमारे पास स्पीड है ये भी कैसे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम लेंथ में ही मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। ये जो अपॉन होता है इसको हम पर बोलते हैं। अगर कोई नीचे, जैसे मान लो नीचे सेकेंड आ गया तो हम क्या बोलेंगे? पर सेकेंड। यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ms^-1। इसको क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ को किस में मेजर करेंगे हम? मीटर में करेंगे मेजर। मतलब जो लेंथ है उसके लिए हम L लिखेंगे और जो ब्रेथ है उसको भी हम डिस्टेंस में ही मेजर करेंगे ना, तो ब्रेथ को भी हम क्या मान लेंगे? L मान लेंगे। तो L को भी हम मीटर में मेजर कर रहे हैं और इस L को भी हम मीटर में मेजर कर रहे हैं। तो हमारे पास यूनिट क्या बन गई? एम स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई, एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है? एसेलरेशन क्या होता है? एसेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। अगर हम मास की बात करें, मास का हमारे पास यूनिट क्या होता है? kg। और एसेलरेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे फोर्स की दूसरी यूनिट भी होती है जिसको हम न्यूटन बोलते हैं, बट न्यूटन ये क्या है हमारे पास? ये दूसरी हमारे पास इसकी यूनिट है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। बट ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहती है, न्यूटन हमारे पास इसकी दूसरी यूनिट है। ओके, उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी का थर्ड टाइप पढ़ेंगे जो कि है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं जिसमें हमारे पास एंगल्स आते हैं। पहला कौन सा होता है? एंगल, या फिर आप प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सॉलिड एंगल जो कि 3D में होता है। अब एंगल की बात करें तो जो दो लाइन्स होती है, दो लाइन्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये हमापा एंगल हो गया, इसको हम प्लेन ऑफ एंगल भी बोलते हैं। और दूसरा आता है हमापा 3D में जो बनता है, एंगल तो बन रहा है लेकिन कैसा बन रहा है, 3D में। ठीक है, 3D में एंगल बन रहा है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। और ये क्या है हमारे पास, ये सॉलिड एंगल है हमारे पास। और ये जो हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होते हैं और इसकी जो है सिर्फ यूनिट होती है। अगर हम प्लेन एंगल की बात करें या सिर्फ एंगल बोले तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, रेडियन। क्या होती है हमारे पास इसकी यूनिट, रेडियन। और रेडियन का सिंबल क्या होता है, RAD, स्मॉल RAD। उसके बाद सॉलिड एंगल, अगर सॉलिड एंगल की यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। ठीक है, स्टीरेडियन इसका यूनिट होता है और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल S स्मॉल R, ये इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, पावर्स होती हैं जिनके थ्रू हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रेज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड एज डायमेंशंस। और अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखें, हमारे पास कितनी होती है, 7 होती हैं। तो अगर हम इनके डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, हम एल लिखते हैं और बाहर से इसके पास ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हमारे पास लेंथ का डायमेंशन बन गया। उसके बाद मास, मास का डायमेंशन हम एम लिखते हैं। टाइम के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं टी। ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक जगह इन्हीं तीनों का यूज़ होता है, बाकी ये सब बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। तो इन तीनों को आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है क्योंकि हर एक जगह आपको यही तीन मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो इसका हमने ए ले लिया, ए के बाहर फिर ब्रैकेट्स। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, तो आप केल्विन भी लिख सकते हो और कई बार इसके लिए थीटा भी लिखा जाता है, मतलब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे कि अगर टेम्परेचर थीटा दिया हो तो थीटा भी लिखते हैं और केल्विन भी लिखते हैं। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या था, हमने पीछे पढ़ा था कैंडेला, तो कैंडेला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर और बाहर से ब्रैकेट लगा देते हैं। ये इसकी इस यूनिट के क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए, जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है इसके ये डायमेंशंस हो गए। एक और बच गया, वो भी हम देख लेते हैं। तो लास्ट हमारे पास कौन सा आता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलो चाहे अमाउंट ऑफ मैटर बोलो, तो अमाउंट ऑफ मैटर को हम किस में एक्सप्रेस करते थे, मोल्स में, तो इसका क्या आ जाएगा, मोल, बाहर से ब्रैकेट्स लग जाएंगे, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अब आगे हम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया का डायमेंशन। एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है। अब लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, एल से, हमने पीछे पढ़ा था लेंथ के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या होता है, एल। उसके बाद बी, बी को भी हम लेंथ ही मानेंगे ना, एक तरह से वो लेंथ ही है, तो हम लेंथ इसके लिए भी लिखेंगे, तो हमारे पास कितने एल हो गए, 2L हो गए, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास एल का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका डायमेंशन हो गया। अब यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि तीनों चीज़ें हमें रिमेम्बर रखनी है, एम का भी और एल का भी और टी का भी। तो यहाँ पर मास है नहीं है, तो एम के लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद एल, एल है, यस है, एल कितने हैं, 2 बार है, एल की पावर कितनी हो गई, 2। इन पावर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। उसके बाद टी, टी यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो टी कितना है, 0 है, ये हमारे पास एरिया का डायमेंशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड का डायमेंशन। तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, अभी हमने बोला था डिस्टेंस को हम एल में ही लेंगे, डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, एल, क्योंकि वो एक तरह से लेंथ ही है, और टाइम का तो हमारे पास टाइम ही होता है, तो एल टी आ गया हमारे पास। अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे,
एल का एल आ जाएगा और टी टी नीचे है ना, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। और अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, एल टी माइनस 1। बाहर से लगा देंगे ब्रैकेट्स, ये हो गया हमारे पास स्पीड का डायमेंशन। और अगर इसको पूरा लिखें तो क्या आएगा इसका, एम जीरो एल टी माइनस 1, क्योंकि एम यहाँ पर कुछ है ही नहीं, एल हमारे पास 1 है, टी की पावर माइनस 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड का डायमेंशन आ गया। उसके बाद एक और कर लेते हैं, हम इस बार लेते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। अब मास को हम किस में लेते हैं, मास के लिए क्या लिखते हैं, एम। मास के लिए क्या लिखते हैं, एम। और वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, ऊपर हमने स्पीड पढ़ा था है ना, स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है हमारे पास, एल टी माइनस 1 है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल टी माइनस 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, इसका डायमेंशन क्या बन गया, एम, एम है ना यहाँ पर 1 है, तो एम एल टी माइनस 1, ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। उसके बाद हम फोर्थ पढ़ते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका तो कोई फिजिकल फॉर्मूला ही नहीं होता है, मींस यहाँ पर जो मास है वो भी जीरो है और जो लेंथ है वो भी क्या है हमारे पास, जीरो है। और टाइम भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो टाइम भी कितना है हमारे पास, जीरो है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, के। अब के क्यों होगा, के इसलिए होगा क्योंकि जो टेम्परेचर होता है उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसके लिए क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या हो गया, के, एम जीरो एल जीरो टी की पावर 0 और के, के की पावर 1 आएगी, हम 1 लिखते नहीं है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर का डायमेंशन हो गया। और इन सब की यूनिट्स भी होती है, जिसका डायमेंशन होता है उसका यूनिट भी जरूर होता है। तो यूनिट मैंने आपको बताई हुई थी पीछे, जैसे यहाँ पर मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। और एल, एल को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में करते हैं, सेकेंड में। ऊपर माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट है वो क्या बना, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास इसका यूनिट बन गया। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया का डायमेंशन क्या हमने निकाला, यस, एरिया का डायमेंशन हमने ऊपर निकाला था, क्या आया था हमारे पास, एरिया का डायमेंशन एल की पावर 2, ये हमारे पास एरिया का डायमेंशन था। अब लेंथ को किस में करते हैं, हम एल में, एल से रिप्रेजेंट करते हैं एल को। तो इसका डायमेंशन क्या बन गया, एल की पावर 3 बन गई इसकी डायमेंशन। और अगर पूरा डायमेंशन लिखे तो क्या बनता है, एम यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, एल की पावर 3, टी कुछ नहीं है तो 0, ये हमारे पास वॉल्यूम का डायमेंशन बन गया। नेक्स्ट और करते हैं, कौन सा आएगा, सिक्स्थ आएगा। सिक्स्थ में हम क्या लेते हैं अपने पास, डेंसिटी। चलिए डेंसिटी का निकालते हैं हमारे पास। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, या डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मास के लिए हम क्या लिखते हैं, मास के लिए लिखते हैं हम एम, ऊपर से डिवाइड का साइन लग गया, मतलब अपॉन। और वॉल्यूम को किस में लिखते हैं हम, बोलो बोलो, वॉल्यूम को हम लिखते हैं एल में। वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। लेकिन हमने वॉल्यूम का पीछे डायमेंशन पढ़ा था ना, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आएगा हमारे पास, एल की पावर 3, ये हमारे पास इसका आ गया। उसके बाद अगर हम इसका पूरा डायमेंशन निकाल दें तो क्या बनता है, अभी तो इसका एम आ गया, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अभी तो पूरा डायमेंशन नहीं निकला है, अगर हम पूरा डायमेंशन निकालें तो क्या बनता है, एम एल की पावर माइनस 3, टी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो टी कितना है, 0।
ये निकल गया हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशन। उसके बाद हम और ले लेते हैं एसिलरेशन का। अब एसिलरेशन क्या होता है हमारे पास? एसिलरेशन होता है हमारे पास वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या डायमेंशन होता है? हमने पीछे ही पढ़ा था वेलोसिटी के लिए हमारे पास डायमेंशन होता है LT-1। उसके बाद टाइम, टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं? टी। तो अगर हम इसको अपॉन की फॉर्म में लिखे LT-1 upon T तो क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? LT-1 ये ऊपर चला गया तो क्या बन गया? T-1। ये हमारे पास इसका डायमेंशन बन गया। और इसको अगर पूरा निकाले तो क्या बनता है? M0L। L कितना है? कुछ नहीं है, एक ही है यहाँ पर, तो एक ही लिखेंगे MLT। यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है? माइनस का लगता है। तो ये हमारे पास एसिलरेशन का डायमेंशन आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्स का। किसका पढ़ेंगे? फोर्स का। तो इसका आपको डायमेंशन याद रखना है एसिलरेशन का, क्योंकि अभी आगे आएगा तो फिर आपको याद होना चाहिए कि एसिलरेशन का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालते हैं? फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इंटू एसिलरेशन। अब मास को हम किस में लिखते हैं? एम में। मास के लिए क्या लिखते हैं डायमेंशन? एम। और एसिलरेशन के लिए अभी तो पढ़ा ऊपर LT-2। ये आ गया हमारे पास। अब इसको एक साथ में लिख दो, क्या बन जाएगा? m, m के पावर तो 1 ही है यहाँ पर, LT-2। ये बन गया हमारे पास फोर्स का डायमेंशन। तो बहुत ही इजी है ये डायमेंशंस निकालने, आप इजीली इसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और ले लेते हैं हम वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? अभी ऊपर ही हमने पढ़ा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 होता है, MLT-2। ये हो गया हमारे पास फोर्स का डायमेंशन। और डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं हम? एल लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? एम, एल कितने है? एल की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 1 2। MLT-2, यहाँ पर T इतना ही है और कहीं T हमारे पास है नहीं, तो T-2। ये हमारे पास वर्क का डायमेंशन हो गया। और इन सब की यूनिट्स आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे वर्क, वर्क की यूनिट क्या होगी? मास को हम kg में मेजर करते हैं, और L के लिए लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर स्क्वायर आ गया। टाइम को सेकेंड में, तो पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर फोर्स का निकालना हो तो फोर्स के लिए हम सिंपली यूनिट भी फोर्स के लिए सिंपली हम न्यूटन भी बोल देते हैं, बट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वही यूनिट हम यहाँ पर बताएंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। तो जो मास है उसको हम किस में मेजर करते हैं? केजी में, और लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया इसका। अभी हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालना सीखा। अब हम थोड़े बहुत कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशन निकालते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके डायमेंशंस कैसे निकलते हैं। जैसे कि एक हमने पढ़ा है कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में, F=gm1m2/r². ये किसका फॉर्मूला था? ग्रेविटेशनल फोर्स का। यस, अगर यहाँ से हम जी निकालें तो क्या बनता है? G=, क्या बनता है? F² / m1 m2। क्यों? जी के बाद इक्वल टू यहाँ पर है, ऊपर चला गया, F² / m1 m2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम निकाल सकते हैं फोर्स का डायमेंशन, हमें पता है। आर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। और उसके बाद m क्या है हमारे पास? मासेस है। तो इजीली हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे हम इसके डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास? MLT-2। हमने पीछे ही पढ़ा था फोर्स का डायमेंशन। उसके बाद
जो हमारे पास ये लेंथ होती है, मतलब जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ में मेजर करते हैं, तो लेंथ क्या आ जाएगा हमारे पास एल का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि टू टाइम्स है, स्क्वायर है। उसके बाद अपॉन मास, मास कितने टाइम्स है हमारे पास? वन, टू, टू टाइम्स है, तो हम क्या लिख लेंगे? एम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन बन गया। और इसको अगर हम निकाल दें तो क्या बन जाता है? इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या बनेगा हमारे पास? अब देखिए यहाँ पर दो मास है, तो एक मास कट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा? एक ही मास बचा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम माइनस वन एल, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, टू वन थ्री। उसके बाद टी, तो यहाँ पर माइनस टू है, बाकी कोई टी है नहीं, तो माइनस टू। ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकल गया। तो आप इजीली किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, उनके डायमेंशन नहीं होते हैं। कई बार आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज बताइए, ऐसे क्वांटिटीज बताइए जिनकी यूनिट्स होती है बट डायमेंशन नहीं होते। तो जिनके डायमेंशन नहीं होते उनकी यूनिट्स नहीं होते वैसे मैक्सिमम केसेस में, बट जो हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है उसके यूनिट्स होते हैं। वो क्या होती है? वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो डायमेंशन लेस होती हैं बट उनके यूनिट्स होते हैं। जैसे हमने प्लेन एंगल पढ़ा था और हमने सॉलिड एंगल पढ़ा था, तो उसके यूनिट्स है बट दे आर डायमेंशन लेस, उनका कोई डायमेंशन नहीं है। और जिसका डायमेंशन होता है उसका यूनिट ज़रूर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? स्मॉल एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच एफ। अब एच क्या होता है? एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, ई हमारे पास एनर्जी होती है। तो एनर्जी का हमारे पास डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और वर्क का यूनिट भी क्या होता है? जूल। तो जो हमारे पास वर्क का डायमेंशन रहेगा वही हमारे पास एनर्जी का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि जो यूनिट होती है हमारे पास यूनिट से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हमने वर्क का डायमेंशन निकाला हुआ है तो ईजिली हमारे पास एनर्जी का भी डायमेंशन आ जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले हम यहाँ से एच निकाल देंगे क्योंकि हमने एच का डायमेंशन निकालना है ना। तो एच इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। तो ई का हमारे पास डायमेंशन क्या बन जाएगा? वर्क का डायमेंशन क्या था? एम एल टू टी माइनस टू। ये हमारे पास पावर्स हैं। ये एनर्जी का डायमेंशन आ गया। और फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास? टी माइनस वन। ठीक है, तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? टी बन जाएगा, टी माइनस वन से टी बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा इसका डायमेंशन? एम एल टू टी कितना आएगा? माइनस वन आएगा। ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया है। और बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसके डायमेंशन नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो देख लेते हैं ऐसे कौन से कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो कुछ ऐसे कांस्टेंट्स भी हैं जिनका हमारे पास डायमेंशन ज़ीरो होता है, वो डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सी अपॉन वी। अब सी क्या होता है हमारे पास? सी होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, उसके बाद जो वी होता है, वी क्या होता है हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका हमारे पास क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है? तो स्पीड, स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है पापा? एल टी माइनस वन। स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, तो स्पीड का डायमेंशन हमने पीछे ही पढ़ा था, एल टी माइनस वन। ये हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का डायमेंशन। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पर भी हमारे पास स्पीड का ही डायमेंशन लगेगा, एल टी माइनस वन। तो दोनों डायमेंशन सेम हो गए, मीन्स ये कट हो गए। आंसर क्या आ गया हमारे पास? जीरो। मीन्स एम कितना है हमारे पास? जीरो। एल कितना है? जीरो है। टी कितना है? जीरो।
तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, ये कांस्टेंट कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। तो हम एक और कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं, सो दैट हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरह से डायमेंशंस निकालते हैं। एक और फेमस कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? पी वी इज इक्वल्स टू के टी। पी क्या होता है हमारे पास? प्रेशर। वी क्या होता है? वॉल्यूम। के क्या होता है हमारे पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर। टी हमारे पास टेम्परेचर होता है, इसको टाइम मत लेना। तो अगर हमें यहाँ से के निकालना है तो हम के को क्या करेंगे? आगे ले आएंगे, इक्वल टू पी वी अपॉन टी। अब पी क्या होता है हमारे पास? पी होता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का हमारे पास क्या आता है डायमेंशन? डू यू नो प्रेशर का डायमेंशन हमारे पास क्या आता है? लिख लेते हैं सबसे पहले पी। पी का हमारे पास डायमेंशन होता है, अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। उसके बाद वी अपॉन टी, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। अब फोर्स का डायमेंशन तो आपको पता ही होगा, हमने अभी पीछे पढ़ा था फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, ये हो गया हमारे पास फोर्स का डायमेंशन। अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास? एल का स्क्वायर, ठीक है। इन टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? एल का क्यूब। अपॉन ये टेम्परेचर है, इसको टाइम मत समझना। टेम्परेचर का क्या होता है? के, हमने पीछे पढ़ा था। तो इसको कंबाइन करके नीचे क्या आ जाएगा? एम। एम की पावर कितनी है? एक ही है, बाकी कोई एम है नहीं, एक ही है। तो एम लिख लिया। उसके बाद एल, एल की पावर कितनी आ जाएगी? टू, क्योंकि एल टू टाइम्स है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, टू टाइम्स हो गया एल। उसके बाद टी, टी की पावर कितनी है? माइनस टू, क्योंकि एक ही टी है यहाँ पर, माइनस टू इसकी पावर है। एम एल टी माइनस टू, और साथ में अब के को के भी लिख सकते हो, लेकिन के कैसे आएगा? माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि नीचे है, ठीक है, इसलिए माइनस वन आ गया। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। आप के की जगह थीटा भी लिख सकते हो, थीटा माइनस वन, एज अ विश, जो आपको लिखना पसंद है वो आप लिख सकते हो। तो इसी तरह से हमारे पास सारे कांस्टेंट के डायमेंशंस निकलते हैं, आप खुद निकाल के देख सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। एक लास्ट कर लेते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट का, कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं। विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी है, ये क्या हमारे पास? चेंज इन डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास निकालना क्या? हमने ईटा निकालना है, ईटा का डायमेंशन निकालना है, तो हम यहाँ से ईटा निकाल देंगे। ईटा इज इक्वल्स टू एफ चेंज इन डिस्टेंस अपॉन ए चेंज इन वेलोसिटी, ये आ गया हमारे पास। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। उसके बाद क्या है? चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? एल अपॉन एरिया का क्या होता है हमारे पास? एरिया के लिए हम लिखते हैं एल का स्क्वायर इंटू वी, वी मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन, सिंपल। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एल स्क्वायर है, एल से एल कट हो गया, एक एल बचा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है? एम, एम की पावर कितनी है? एक ही है। एल, एल की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? माइनस वन, माइनस वन कैसे होगी? एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, दो एल हो गए, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? एल की पावर माइनस टू हो जाएगी, और यहाँ पर पहले ही एक एल है, मतलब इसकी पावर एन है, तो माइनस टू प्लस वन कितना होता है? माइनस वन होता है। तो यहाँ से हमारे पास एल की पावर माइनस वन आ गई और टी माइनस वन, क्यों? यहाँ पर एक माइनस वन है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर वन हो जाएगी, तो यहाँ से वन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास टी माइनस वन बच जाएगा। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशन बन गया, ठीक है। तो इजीली हम किसी भी चीज़ का इसी तरह से डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने इतना ही डिस्कस करना था कि डायमेंशंस किस तरह से निकाले जाते हैं,
और पेपर में यही डायमेंशन आते हैं कि हाँ इसका डायमेंशन बताओ, इसकी यूनिट बताओ, तो हम डायमेंशन के थ्रू यूनिट निकाल सकते हैं। और अगर हमें यूनिट पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।